भाई थोड़ा कैमरा पीछे कर। यहाँ पे बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में हम लोग आए हैं। यहाँ ऑटो वालों के और दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स कई सारे काम होते हैं। यहाँ पे लोगों से बात की तो लोगों की शिकायत है कि अगर दलाल के जरिए आते हैं तो काम जल्दी होते हैं और नहीं तो उनके काम कई कई महीनों तक लटकते रहते हैं। इसमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो जो जो कर्मचारी बेईमानी में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और दूसरा जितने भी सिस्टमिक चेंजेस हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जैसे फिटनेस है, फिटनेस हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे। अभी पूरी दिल्ली के सारे ऑटो वालों का फिटनेस यहीं बुराड़ी में होता है, तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अब हम इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे, प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे फिटनेस के लिए आने की। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी इन लोगों को ये बोला है कि जिस जिस काम के लिए यहाँ पे लोग आते हैं वो सारे कामों की लिस्ट दें और उसके बाद इसको कम्प्लीट करें। तमाम अधिकारी आपके साथ हैं यहाँ पर, क्या किसी को शिकायतें जो मिली हैं उसमें ये भी कहा गया कि एमएलओ का आरोप लगाया गया, काम नहीं होने देते दलालों के जरिए यहाँ पे काम होता है, उन आरोपों में स्पेसिफिक केसेस को देखेंगे। स्पेसिफिक केसेस में अगर गड़बड़ मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर कहा यह भी जा रहा था कि जानकारी पहले दी जाती है दौरे की, तो इस वजह से दलाल आज हट चुके हैं यहाँ से, ऐसा कुछ पाया आपने? जनता से तो मिल सकते हैं, जनता तो थी, जनता से मिले, जनता को कोई नहीं हटा सकता। जी सर, आज सीएम का विजिट था, क्या पाया सीएम ने, क्या बात हुई आपसे, अलग से भी बात हुई उनकी अधिकारियों से, क्या निर्देश दिए हुए? सर अभी जो सीएम साहब का विजिट हुआ है उन्होंने यहाँ पर जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जिससे यहाँ पर रश ज़्यादा है, सेंट्रलाइज एक ही जगह है, तो इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए जल्दी से जल्दी। प्रियंका मैम थोड़ी सी आइडिया बताइए। प्लस जैसे अब एक सिम रिचार्ज होता है वो हमने पैनल किया हुआ है 5 एजेंसीज को, लेकिन उन्होंने कहा है कि रिचार्ज जब हर शॉप्स पर होना चाहिए, पूरी दिल्ली में कहीं भी आदमी अपना सिम का रिचार्ज कराना चाहे तो उसको करा पाए। एमएलए साहब, लेकिन करप्शन के चार्जेस बहुत सारे लगाए, लोगों ने यहाँ पर शिकायत लगाई थी कि बिना दलालों के यहाँ काम नहीं होता इस अथॉरिटी में, उस पर क्या लगाम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? सर आप एक भी स्पेसिफिक केस नहीं मिला, इतने सारे लोग थे, हजारों लोग, आप खुद सोच कर देखिए सर, और आप खुद किसी को भेज कर देखिए कि उसका काम होता है। सर जैसे लोगों का आरोप था कि सीएम साहब के आने से पहले 2 घंटे पहले ही यहाँ पे हलचल हो गई थी, वो ये बात बता रहे थे। सर जितने लोग आए थे आज के लोग थे, तो उनको क्या पता है क्या है, और आप कल आकर देखिए सर, आप परसों आकर देखिए, आप मीडिया से आप जानते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोसीजर में। अगर स्टाफ कम होने से कहीं रश है तो उसको सीएम साहब ने करने के लिए हमें आदेश दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टाफ कम है यहाँ पे। सर स्टाफ तो सभी जगह पूरे उसमें कम है। क्या आप लोगों को पता था कि मुख्यमंत्री आने वाला है? नहीं सर, हमारे मीटिंग के लिए बुलाया गया था तो तभी मुझे पता लगा कि इस तरह से है, तो मुझे तो किसी को भी नहीं पता था यहाँ। हाँ जी, कौन कौन ऑटो वाले जो है जरा बताओ, यहाँ सब ठीक ठाक है? गड़बड़ है जी, गड़बड़ है जी, वो कहते हैं 5 दिन के बाद आओ, और क्या पीछे कर लीजिए भाई, थोड़ा सा 15 18 और ऑटो वाले विक्रम दीजिए भाई सरदार जी, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। अपने गाड़ी के पेपर या पैसा देने का
पीछे भाई देख के भैया पीछे 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 पीछे।